सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे? मेरे हिसाब से सब बढ़िया हो गया और बढ़िया रहा होगा। सो गाइस हम बहुत दिन बाद लौट रहे हैं, तो यार स्वागत करो हमारा एंड मेरे प्रो एंड नो ब्रो बंदो। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस हम पिक्सआर्ट खोल लेंगे एंड पिक्सआर्ट खोलने के बाद अपना आप जान दें क्या करना है एंड अपना बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ये रहा हमारा बैकग्राउंड, ये हो गया ओपन एंड गाइस इसको हम ले चलेंगे ड्रॉ टूल में एंड इसमें अपना मॉडल को करेंगे ऐड एंड इसको अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा। ये गाइस हो गया ऐड एंड एमपीटी लेयर लेंगे एंड इसमें अपना एक टूटा फूटा कार का पीएनजी है उसको करेंगे हम ऐड। इसको हम मॉडल के नीचे एंड इसका साइज को हम बढ़ा लेंगे एंड इसको कर देंगे डन एंड एमपीटी लेयर एक और लेंगे एंड इसी कार का एक और पीएनजी लेंगे इसी कार का एंड इसको भी साइज बढ़ा करके हम मॉडल के आगे लगा देंगे ताकि थोड़ा इलास्टिक फील आए। ये हो गया एंड फिर एमपीटी ले लेंगे एंड इसमें अपना गन का पीएनजी को ऐड करेंगे एंड गाइस जो जो चैनल पे नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड गाइस इसको हम यहाँ से करेंगे ट्रांसफ़र एंड यहाँ से करेंगे सेट ये हो गया एंड इसका ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे ओपेसिटी कम ना कि लगभग एंड इरेजर टूल पे जाके एंड इसका हार्डनेस को बढ़ा लेंगे एंड इसको जूमिडिटी ऑन कर देंगे ताकि हमारा जितना जूम करें उतना ब्रश छोटा हो जाए खुद पे खुद एंड गाइस इसको हम इरेज कर देंगे हाथ के ऊपर जितना पार्ट आ रहा होगा जितना ज़रूरत होगा उतना रखेंगे बाकी को हम इरेज कर देंगे एंड गाइस फिर एमपीटी ले लेंगे एंड इसमें अपना एक तलवार है इसको हम करेंगे ऐड। ये रहा इसको करेंगे ऐड इसको करेंगे हम मॉडल के नीचे ताकि जैसे पीठ पे लटका हुआ रहता ये कैसे कि इसको करेंगे हम ट्रांसफ़र। ये हो गया इसको करेंगे डन एंड एमपीटी ले लेंगे फिर और इसमें हम वो क्या कहते हैं उसको एक पट्टी होता है टाइप का जिससे तलवार लटका हुआ होगा उसको हम ऐड करेंगे एंड इसको अच्छा से हम ऐड करेंगे यहाँ से ये इसको हम कर लेते हैं ट्रांसफ़र एंड इसको जूम कर अच्छे तरीके से कर लेंगे इसको ऐड एंड गाइस इसको हम इम्पीटेटर एक और लेंगे एंड इसमें हम शैडो का निर्माण करेंगे। सो गाइस हम शैडो का निर्माण के लिए ब्रश चुन लिए हैं एंड गाइस अपना शैडो का निर्माण करेंगे तो भी अच्छे तरीके से ओके क्योंकि हमारा शैडो निर्माण एंड इसको करिए मर्ज एंड इसको फिर एमपीटी लेंगे और इसको हम तलवार के नीचे रखेंगे इसमें भी हम अपना शैडो को निर्माण करेंगे एंड ये हमारा मॉडल का होगा एंड यहाँ इतना तक तो हो गया एंड आगे
इसको कर लेंगे डन एंड जाएंगे टूल्स में। जाने के बाद अब जस्ट करेंगे एंड सबसे लास्ट वाले ऑप्शन टेम्परेचर पे जाके टेम्परेचर हाई कर देंगे। एंड गाइस इसको हम मैन्युअली अपने हाथ से इसको इतना पे नहीं, यू को नहीं चेंज करना एंड इसको इरेज करके मैन्युअली अपने तरीके से जितना हिसाब होगा उतने हिसाब से आप अपने बैकग्राउंड एंड मॉडल पे रंगते जाइएगा। ये ब्रश ले लिए एंड कलर करना करेंगे स्टार्ट। एंड गाइस यहाँ से कर देंगे हम इसको डन एंड यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट में एंड हम ब्लर वाले ऑप्शन पे जाके लेंस ब्लर में जाएंगे एंड गाइस यहाँ से जाएंगे इरेज वाले टूल पे एंड इसको इन्वर्ट करके हम ये आगे वाला गाड़ी को कर लेंगे हम ब्लर। सो ब्लर करने से रियलिस्टिक लुक आ जाएगी आपके फ़ोटो में, इसीलिए आगे का ब्लर दीजिएगा तो अच्छा है, सारी फोटोज़ में आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। एंड गाइस ये हो गया एंड यहाँ से कर देंगे डन एंड गाइस हम जाएंगे ब्यूटी में एंड यहाँ पे हम अपना एक आईज लगाएंगे जो कि मतलब डेविल लुक देगी फोटोज़ में, खतरनाक वाली। सो गाइस इसमें हम इसको यहाँ से हम सेटर के यहाँ से करेंगे इरेज एंड गाइस इसको करेंगे डन एंड देख लेते हैं हम यहाँ से परफेक्ट है, इसको करेंगे डन एंड गाइस आगे बढ़ेंगे हम जाएंगे स्मूथ वाले ऑप्शन पे एंड अपने फेस का स्मूथ करेंगे। एंड गाइस अच्छे तरीके से आप स्मूथ कीजिएगा, जहाँ तहाँ लगाने से अच्छा नहीं लगता है स्मूथनेस। एंड ये स्मूथ यहाँ से यहाँ और हल्का सा यहाँ भी। एंड गाइस ये इतना हो गया एंड यहाँ डन एंड फिर डन। एंड गाइस कुछ पीएनजीज और बचा हुआ है मेरा लगाने के लिए, सो ये रहा और ये रहा, इसको हम ऐड करेंगे। एंड गाइस यहाँ से इसको ऐड करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड के ऑप्शन पे एंड इसको कर देंगे स्क्रे। एंड गाइस ये हमारे फेस पे आ रहा है, इसको हम कर लेंगे इरेज वो भी अच्छे तरीके से। एंड गाइस इसको कर देंगे डन एंड ये वाला पीएनजी को हम फिर स्क्रीन करेंगे ब्लेंड मोड ऑप्शन पे जाके। एंड गाइस इसको यहाँ लगाने के साथ कोशिश करेंगे यहाँ पे, इसका ऑपेसिटी को कर लेंगे हम कम। एंड गाइस ये हो गया डन यहाँ पे। एंड गाइस इसका क्लियरिटी को थोड़ा हम लाइट सिचुएशन नहीं कम सिचुएशन एंड इसको फेस पे हम थोड़ा सा उगा लेंगे ताकि ओरिजिनल वाली लुक आ जाए। एंड गाइस इसमें कुछ आर्ट शूट रहा, ये रहा हमारा लोगो, जो आप लोग का लोगो भी होता होगा तो आप अपने लोगो लगा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ से हम ड्रॉइंग रूम में जाने के बाद अब यहाँ से कर लेंगे हम अपने फ़ोटो को सेव। जो एंड गाइस चैनल पर जो नए बंदे हैं वो करेंगे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। एंड गाइस आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, सो गाइस फॉलो करो एंड बाय।